पाइथन 3 ऑनलाइन कोर्स बिगिनिंग टू एडवांस ए टू जेड सीरीज 3-2 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ट्यूटोरियल का ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके पहले हमने पूरे के पूरे ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया। तो चलो अभी हम फोकस करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल ये है, व्हाट आर आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी अरिथमेटिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिट वाइज, मेंबरशिप, और अभी हम बात करने वाले आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। ऊपर के 6 ऑपरेटर के ऊपर हमने डिटेल में जानकारी ली और उसी के साथ हमने हर एक ऑपरेटर के ऊपर एक प्रोग्राम लिया है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के ऊपर। तो आइडेंटिटी नाम से हमें पता चलता है यार, किसी ना किसी वेरिएबल, वैल्यू या ऑब्जेक्ट की हमें आइडेंटिटी चेक करनी है। तो चलो इसको हम टेक्निकली समझते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को हम डिटेल में समझेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेमोरी लोकेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करता है। और मान लो दोनों की आइडेंटिटी सेम है तो वो हमें ट्रू वैल्यू देगा, और दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है मतलब मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो हमें वैल्यू फॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर गिव आउटपुट इन ओनली बुलियन ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप। मतलब जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलने वाला है तो वो हमें मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स में। आपने मेंबरशिप ऑपरेटर में देखा होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर भी सेम इसी तरीके से आउटपुट शो करता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इज आइडेंटिटी इज इफ बोथ ऑब्जेक्ट आई डी इज सेम देन रिटर्न ट्रू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट की आई डी सेम रहेंगी तभी वो हमें ट्रू देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टू इज अ टू इक्वल्स टू टू, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करेंगे तो वो है इज नॉट। इज नॉट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इफ बोथ आई डी इज नॉट सेम, इफ बोथ ऑब्जेक्ट आई डी इज नॉट सेम देन रिटर्न ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैपिटल एच इज नॉट कैपिटल एच, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग सेम है तो इसलिए हमें वैल्यू मिली फॉल्स। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेमोरी के कुछ ब्लॉक लिए हमने राइट साइड में और उसका एड्रेस हमने राइट साइड में दिया है नंबर के फॉर्म में 1020 उसके फॉर्मेट में, और यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक है वो 2 बाइट का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो वैल्यू 1 को हमने दिया 30, वैल्यू 2 को दिया हमने 30, और वैल्यू 3 को हमने दिया 90। अब ये वेरिएबल हमारे मेमोरी में किस तरीके से वैल्यू स्टोर करेंगे, तो चलो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 उसकी वैल्यू एक की ब्लॉक में स्टोर हो चुकी है और वैल्यू 3 की वैल्यू सेकंड ब्लॉक में स्टोर हो चुकी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट रहती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप समझ लो कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, इसको भी हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे यही समझो कि मान लो दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम रहती है तो पाइथन क्या करता है, उसको अपने मेमोरी में एक ही ब्लॉक में वो स्टोर कर लेता है और दोनों वेरिएबल को उस ब्लॉक का एड्रेस दे देता है। तो इस तरीके से पाइथन काम करता है। अब हम क्या करेंगे, मान लो वैल्यू 1 इज अ वैल्यू 2, इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी ट्रू, क्योंकि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 दोनों वेरिएबल का जो एड्रेस है वो सेम है। और हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू 1 इज वैल्यू 3 तो हमें वैल्यू मिलेंगी फॉल्स, क्योंकि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 जो वेरिएबल है उसका एड्रेस डिफरेंट है। चलो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम देता हूँ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 1, और उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 30 सेम, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वैल्यू 2, उसको भी मैं वैल्यू 30 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वेरिएबल वैल्यू 3 क्रिएट कर रहा हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ मैं 90, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू वन इज वैल्यू 2, ठीक है, वैल्यू 1 इज वैल्यू 2, तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी 2। और यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू 1 इज वैल्यू 3, ठीक है, उसके बाद हम एंटर करते हैं तो हमें वैल्यू मिली फॉल्स। अब ये क्यों मिला, तो चलो इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में जानते हैं। तो इसके पहले हमने बताया था कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की जो आईडी है मतलब मेमोरी लोकेशन वो सेम है, इसीलिए हमें वैल्यू मिली ट्रू, और वैल्यू 1 और वैल्यू 3 जो वेरिएबल है उसकी जो मेमोरी लोकेशन वो डिफरेंट है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार किसी वेरिएबल का हमें आइडेंटिटी मतलब कोई मेमोरी लोकेशन चेक करने तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक आईडी, आईडी एक फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वेरिएबल का आईडी चेक कर सकते हैं मतलब मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प
फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं, हेल्प फंक्शन में हम आईडी लिखते हैं, उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। तो आपको आईडी फंक्शन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे बोलते हैं कि आईडी फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, तो यहाँ पे आप आईडी के रिलेटेड हेल्प ले सकते हो। अभी हमें क्या करना है, हेल्प के बाहर आना है, तो जस्ट एंटर बटन क्लिक करो, हम हेल्प के बाहर आ चुके। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू वन जो वेरिएबल है उसका आईडी चेक करना है, मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, आईडी लिखेंगे, उस आईडी फंक्शन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है जिसकी हमें आइडेंटिटी चेक करने, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो हमें उसकी आइडेंटिटी मिल चुकी है, मतलब उसकी आईडी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से वैल्यू टू की आईडी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू टू, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वैल्यू वन की जो आईडी है और वैल्यू टू की आईडी है सेम है, मतलब दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू वो एक की मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। और यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू थ्री की आईडी क्या है, तो यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, उसके बाद मैं लिखता हूँ वैल्यू थ्री, ठीक है। और जैसे मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो वैल्यू थ्री की जो आइडेंटिटी है वो अलग है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी चेक करेंगे वैल्यू थ्री की, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 60 है, मतलब अलग अलग इसकी आईडी है। तो इसकी वजह से इस आइडेंटिटी ऑपरेटर ने हमें वैल्यू वन इज अ वैल्यू थ्री उस सिचुएशन में हमें रिजल्ट मिला था फॉल्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं वैल्यू वन इज नॉट वैल्यू थ्री, क्या करते हैं, वैल्यू वन इज नॉट वैल्यू थ्री। तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें वैल्यू मिलेंगी ट्रू। वैल्यू वन एंड वैल्यू टू का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें रिजल्ट मिला ट्रू। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम स्ट्रिंग के साथ चेक करते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ str1, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, ठीक है। और उसके बाद मैं एंटर बटन दबाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं str2 लिखता हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ हाई, ठीक है। और जैसे मैं एंटर बटन दबाता हूँ उसके बाद मैं str1 इज str2 ठीक है, और मैं जैसे एंटर बटन दबाता तो मुझे वैल्यू मिली ट्रू, क्योंकि str और str दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है हाई वो एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, इसीलिए हमें आउटपुट मिला ट्रू। तो इस तरीके से आप इज और इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का आईडी चेक करने के लिए। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट सिंटैक्स, यहाँ पे आपको करेक्ट सिंटैक्स चेक करना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑपरेटर डज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑपरेटर है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ वैल्यू वेरिएबल इफ वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग थ्री इज अ इंटीजर 23, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 23 ये स्ट्रिंग है और सेकंड 23 ये इंटीजर है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो वैल्यू हमारा वेरिएबल है उसको किस टाइप की वैल्यू असाइन होगी। तो इस तरीके से हमने सेवन ऑपरेटर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया और उसी के साथ हर एक ऑपरेटर के साथ हमने एक प्रोग्राम लिया है। इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंस के ऊपर काम करेंगे। मतलब मान लो हमारा एक इक्वेशन है, उसमें हम आइडेंटिटी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, पूरे के पूरे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया एक इक्वेशन में, और उसके बाद आप उस इक्वेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके हिसाब से आउटपुट शो होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक ऑपरेटर का एक प्रेसिडेंट रहता है। मतलब कौन से ऑपरेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन से ऑपरेटर को सेकंड प्रायोरिटी है, तो उसकी भी प्रायोरिटी रहती है। जब कोई इक्वेशन एग्जीक्यूट होता है तो 2+3 फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा या 5+6 फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके के सवाल कोई भी ऑपरेटर के ऊपर उठ सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे तो जो ऑपरेटर है तो उसमें प्रेसिडेंट के ऊपर ही मैक्सिमम तौर पर क्वेश्चन आते हैं, और उसी को हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा लॉजिक एरर आ सकता है। तो लॉजिक एरर क्यों होता है, तो लॉजिक एरर इसीलिए आता है कि जब हम कोई प्रेसिडेंट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते तभी हमारे प्रोग्राम में लॉजिक एरर आ सकता है। इसलिए हमें प्रेसिडेंट को समझना बहुत जरूरी है जब हम लॉजिक एरर को इग्नोर करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।